बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहत में कई महीनों पहले एक बालिका के अपहरण एवं हत्या का मामला सामने आया था। वहीं शव का पीएम कराने पर पुलिस को दुष्कर्म होने के प्रयास की सूचना मिली थी। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बुरहानपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को उम्र कैद तथा फांसी की सजा सुनाई गई है। बुरहानपुर से पंडित माली की रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर साहब द्वारा एक घटना हुई थी ग्राम मोहत में, 3 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसका उसको हत्या कर दी थी आरोपी विजय पूर्व पिंटिया द्वारा। ये घटना 15/8/2018 की है। अभी मृति का उसके घर के बाहर शौच करने के लिए बैठी थी, लगभग 11-12 बजे का समय रहा होगा। उसकी माँ घर में उसको पानी लेने के लिए गई, तब लड़की अचानक वहाँ से गायब हो गई। मृतिका की लाश 3 दिन बाद 18/5/2018 को चिंध्या नाले के पास मोहत के मोहत और बम्बाड़ा रोड पर प्राप्त हुई। पुलिस ने संज्ञान में लेके इन्वेस्टिगेशन में आरोपी विजय उर्फ पिंटिया पाया गया। पुलिस की विवेचना में पुलिस ने पूछा कि आपके चेहरे पे ऐसा खरोचने के निशान क्यों है, तब वो आरोपी बराबर बता नहीं पाया और उसी पे संदेह हो के वो पूरी विवेचना की गई थाना शाहपुर द्वारा और आरोपी विजय को माननीय न्यायालय के समक्ष 363, 366, 302, 376 के अंतर्गत उसको पेश किया गया। आरोपी जब से न्यायालय में पेश हुआ है, जेल भेजा है, तब से वो आरोपी जेल में ही है। आज माननीय न्यायालय नंदेश्वर साहब द्वारा आरोपी विजय उर्व पिंटिया को 376 में उम्र आजीवन कारावास, शेष जीवन के शेष अंत तक 302 में फांसी की सजा और 363 में 7 साल, 366 में 10 साल और पास्को एक्ट में आजीवन और मृत्यु की सजा से दंडित किया है और साथ में हर धाराओं में 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।